वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एट इट्स खूबसूरती। सो एवरीवन, मैं आज आप लोग के लिए न्यू प्रोग्राम लेकर आई हूँ एचटीएमएल का, जिसको जिस जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हम नंबरिंग के ज़रिए जो अपनी लिस्ट है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आज वो आप लोग को समझाऊँगी। उसकी डेफिनेशन वगैरह मैं आप लोग को आज इस वीडियो में समझाऊँगी। सो एवरीवन, ये इस तरीके से जो है हमने ऑल के ज़रिए जो है अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल की, वो भी मैं आप लोग को नंबरिंग के ज़रिए क्रिएट करना सिखाऊंगी, और अभी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी। सो एवरीवन, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियोस मतलब जो भी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगती हैं, तो मैंने इस वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोज़ भी आप लोग के लिए पोस्ट कर सकूँ। तो चलें, मैं अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे कमेंट्स में बताएं कि मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ कि नहीं। सो एवरीवन, चले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, द स्टार्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है, स्टार्ट जो हमारा टैग है उसकी ज़रूरत होती है। तो चले आगे चल के देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। यू कैन यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट्स फॉर ऑल टैग टू स्पेसिफिक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबरिंग यू नीड। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टार्ट टैग की ज़रूरत होती है, और जो स्पेसिफिकेशन है ठीक है उसकी ज़रूरत होती है, ताकि जो हमें नीड हो तो हमें नीड हो तो वहीं तक जो नंबर्स नंबरिंग है जो वो काउंट हो सके, वो वहीं तक आ सके। सो यू कैन यूज़ स्टार्ट टैग, ये बोल रहे हैं कि यू कैन यूज़ स्टार्ट टैग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले स्टार्ट टैग की ज़रूरत होती है, वो लिखना वो क्रिएट करना होता है। एट्रीब्यूट्स फॉर ऑल टैग टू स्पेसिफिक द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट से वो टैग है उसके अंदर मतलब लिखना होता है, फिर हमें उसका क्लोज टैग यूज़ करना होता है, जैसे हमारे जो लिस्ट है वो क्रिएट करते हैं तो वो नंबरिंग से खुद ब खुद आ जाएगी, हमें नंबर भी एड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शंस। चले, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ इस वीडियो का कि किस तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये नोट पैड है, ठीक है, तो मैंने नोट पैड में यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ वो लिस्ट। तो पैराग्राफ में मैं लिखती हूँ स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट्स। तो चलें, यहाँ पे मैं इसका ओपन टैग लगाती हूँ, ठीक है, ओएल। ये मैंने एक जो है रो क्रिएट कर ली और खोल लिया है, तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जिसके क्रिएट करने के लिए हमें एल आई लिखना होता है, एल आई। तो यहाँ पे एक मिनट मैं इसको करती हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट, यहाँ पे कर देती हूँ, ये मेरी हो जाएगी पेस्ट। ठीक है, मिनट और कर देते हो, और यहाँ पे हमें और जो हमारा ओएल टैग है उसकी, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सो हो देते पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है, ओ एल टैग टू स्पेसिफिक द स्टार्टिंग टैग। ठीक है, तो एवरीवन चले, यहाँ पे मैं इसको जो है वो क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ओपन टैग यूज़ किया और यहाँ पे एक क्लोज टैग यूज़ किया, यहाँ पे भी एक ओपन एक क्लोज टैग है। तो मैं लिस्ट बनाने के लिए किसी के नाम भी दे सकती हूँ, जैसे कि काजिम आ गया,
ठीक है, तो चलिए अंत में अली दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे। तो यहाँ पे चल के इसको करते हैं सेव एज एट्रीब्यूट्स के नाम से। स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेव। तो चलिए इसको हम कराते हैं रन। यहाँ पे था यहाँ पे इसके इसकी रो में होगा क्योंकि मैंने स्टार्ट लिखा था, तो ये रहा। ठीक है, देखें ये नंबरिंग की सूरत में आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से ये नंबरिंग की सूरत में आया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो मैंने स्टार्ट एट्रीब्यूट्स लगाया, फिर नेम्स वगैरह लगाया, तो देखिए ये खुद ब खुद मैंने नंबर्स ऐड नहीं किए, ये देखिए खुद ब खुद इसमें नंबर्स आ गए। सो अभी मैंने उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बोलें कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और मतलब कि अगर आप लोग को चाहते हैं कि मैं कोई और प्रोग्राम समझाऊं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी।